हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, दुबई में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि यहाँ पे कुछ इलीगल काम करना क्या है। अभी अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आपको सिर्फ जेल में ही नहीं, पहले क्या होता था, जेल में रखा जाता था 3 महीने 6 महीने, उसके बाद छोड़ दिया जाता था छोटे मोटे केसेस के लिए, लेकिन अभी जो है आपको डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। एक केस आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। तो दोस्तों, ये केस है दुबई का, जहां पे एक फार्मेसी दुकान में एक लेडी है, उसका मोबाइल चोरी होने का इल्जाम था। यानी कि उसने बोला कि वो जब मेडिसिन ले रही थी तो अपना फोन वहीं पे उन्होंने छोड़ दिया था, और बाद में जब वो वापस वहां पे गई तो उनका फोन वहां पे नहीं मिला। उन्होंने फार्मेसी में बोला कि आप सीसीटीवी में फुटेज देखिए कि क्या मैंने अपना फोन यहाँ पे छोड़ा है और किसने लिया है, क्या हुआ है, सारी चीजें आप फुटेज में देखिए। तो जब उन्होंने देखा तो देखा कि हाँ, उन्होंने फोन वहां पे काउंटर के ऊपर रखा था, मेडिसिन वगैरह लेके वो निकल गई थी, फोन उनका वहीं पे पड़ा था। उसके बाद एक एशियन वुमन वहां पे आई, और वहां पे आने के बाद उसने मेडिसिन वगैरह लिया और झट से फोन को भी रख लिया, फोन का सिम निकाल के उसने फेंक दिया और उन्होंने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में वो फुटेज लेके तुरंत पुलिस के पास गई, और आप सबको पता है पुलिस के लिए ऐसी छोटी मोटी चीजें पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया, बहुत जल्दी पकड़ा, उसे कोर्ट में ले जाया गया। उन्होंने बोला कि हाँ, वहां पे था, मैंने लिया, सारी चीजें एक्सेप्ट की। तो उस लेडी को 1 महीने के लिए जेल पे रखा है, अभी जेल पे रखा है उसको पकड़ के ले जाके, और 1 महीने जब उसकी जेल की सजा पूरी हो जाएगी तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट मतलब होता है अब वो वापस कभी यूएई नहीं आ सकती है। तो देखिए, ऐसे छोटे मोटे केसेस हैं, फोन चोरी, ये चोरी, वो चोरी। पहले होता था कि जेल में रखा जाता था 1 महीना 3 महीना 6 महीना, उनके ऊपर डिपेंड करता था, पुलिस के ऊपर, लेकिन अब डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो लोग भी सोचते हैं चोरी करना, ये करना बहुत आम बात है, तो पकड़ा जाना भी बहुत आम बात है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे सीसीटीवी लगे होते हैं, वहां पे आपका फुटेज देखा जाता है और आपको पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि जॉब सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, पैसे खत्म हो जाते हैं और ऐसे इलीगल काम पे मतलब इंक्लूड हो जाते हैं, करते हैं लोग ऐसा काम और प्रॉब्लम में फंसते हैं। तो गाइज, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। कोई आपका दोस्त है, कोई ये है, उसको भी मना कीजिए कि ये सारे जो इलीगल काम है यहाँ पे मत कीजिए, क्योंकि यूएई लाइफ टाइम अब बैन हो जाएंगे। पुलिस अभी बहुत लोगों को पकड़ के डिपोर्ट करी है, बहुत लोगों को, दुबई के अंदर, शारजा के अंदर, इवन दो जो मतलब ऐसे पेन वगैरह भी पहले बेचते थे, अब देखिएगा बहुत कम हो गए, क्योंकि पुलिस उनको भी पकड़ रही है बहुत ज्यादा। जो बेगर्स होते थे रोड पे साइड में बैठे रहते थे, जो अंडरग्राउंड पैसेज होते थे वहां पे बैठे रहते थे, तो वो चीज भी बहुत कम हो गया है क्योंकि पुलिस पकड़ रही है। तो ये सारी चीजें ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पैसे अगर खत्म होते हैं, आप जाइए आउटपास बनवाइए, जो सिस्टम है यहाँ का, आउटपास बनवाइए, ओवरस्टे फाइन है आपके ऊपर, आउटपास बनवा के आप चले जाइए। इससे ये होगा कि आपको जेल की सजा या डिपोर्ट कर देना, ये तो एटलीस्ट नहीं होगा, मतलब एक क्रिमिनल केस लग जाना आपके ऊपर, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प हुई होगी, और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।